अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम मोबाइल अरिना डॉट कॉम। आज हम क्यू मोबाइल LTE 150 का वीडियो रिव्यू कर रहे हैं। क्यू मोबाइल लोअर LTE 150 इस वक्त आपके सामने। इसकी बॉडी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी जो फ्रंट पैनल है इस पर 4.7 इंच स्क्रीन है, HD इसका डिस्प्ले है और इसके टॉप पर कैमरा स्पीकर ग्रिल है। जबकि आप देखेंगे नीचे तक आपको 3 कैपेसिटिव बटन मिलेंगे। इस साइड पर आपको राइट साइड पर पावर बटन, वॉल्यूम रोकर और टॉप पर इसका आप देखेंगे चार्जिंग के लिए जगह नहीं है बल्कि ऑडियो रोक है। और ये साइड इसकी एम्प्टी है लेफ्ट वाली, और इसके बॉटम पर चार्जिंग के लिए पोर्ट मौजूद है। जबकि इसके बैक साइड पर अगर आप आएंगे तो आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा, नोएड लोगो और क्यू मोबाइल का लोगो मिलेगा। अगर मैं इसको आपको इसका बैक पैनल ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देखिए कि इसमें 1800 mAh बैटरी है और डुअल सिम ये फ़ोन है, दोनों मिनी सिम इसमें डलेंगी। और इसमें मेमोरी कार्ड की जगह, इस जगह पर इसका मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, 32 GB तक इसमें ये सपोर्ट करेगा। ये 4G फ़ोन है और जैसे कि आप इसका स्क्वाड डिस्प्ले देख रहे हैं, 1.3 GHz क्वाड को इसमें प्रोसेसर है, 8 GB इंटरनल मेमोरी, जबकि 1 GB इसकी रैम है। और इसकी बैटरी मैं आपको दिखा चुका हूँ, 5 MP बैक कैम है, 2 MP फ्रंट कैम है। इसमें आप देख रहे हैं कि एमिगो यूज़र इंटरफेस दिया गया है क्यू मोबाइल की जानिब से। एमिगो यूज़र इंटरफेस हमने देखा था जैसे कि Z3, Z4, Z4 मिनी में और Z6 में, सेम इसका वही डिस्प्ले है और वही इसका आप देख रहे हैं इस वक्त इसका फ्रंट पैनल। आपके सामने होम स्क्रीन मौजूद है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिसेंट एप्लीकेशन दे देगा। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। नोएर LTE 150 क्यू मोबाइल की जानिब से बहुत ही अच्छा फ़ोन है जिसमें आप 4G चला सकते हैं। सबसे पहले इसका आप देखेंगे फ़ोन का जो पैनल है आपके सामने इस वक्त आ गया। इसमें आप देख लें वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है जो हमें Z4 मिनी या Z3 में मिली थी। न्यू कॉन्टैक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट में आप इसको सेव कर सकते हैं, मैसेज इसको सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल है यहीं से। इसी तरह जब आप इसका कॉन्टेंट्स ओपन करते हैं तो आपके सामने जो चीज़ें आती हैं ये देखिए, इसकी डायनामिक टच आपके सामने आ रही है। नोएर LTE 150 यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये सेटिंग्स देता है आपके कॉन्टेंट्स की। यहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, इसके अलावा व्यू, कंटेंट नेम, फ़ोटो स्टाइल और इसके अलावा मोनोक्रोम, कलरफुल और हाइड फ़ोटो। अगर आपने कंटेंट से लगाई होगी वो आप यहां से कंट्रोल करेंगे। और सेटअप माय प्रोफाइल का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये आपको ग्रुप्स देगा और इस तरफ आपको फेवरेट्स देगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें जो मैसेजिंग है, ये आप देखिए इसमें न्यू मैसेजेस और फेवरेट दो टैब्स दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर कॉमन वर्ड्स हैं, कोई भी आपने क्विक मैसेज किसी को सेंड करना हो तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप न्यू मैसेज लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ से न्यू मैसेज लिखेंगे। न्यू मैसेज लिखने का जो इसका कीबोर्ड है बहुत ही शानदार है। इसका जो साइज़ है बहुत प्यारा साइज़ है, बहुत ही कंफर्टेबल साइज़ है 4.7 इंच स्क्रीन के साथ। और इसकी जो स्क्रीन है वो चारों तरफ से विजिबल है, IPS डिस्प्ले है इसका। इसमें मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, ये गूगल कीबोर्ड, अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आप स्वाइपिंग कर सकते हैं। ये आप स्वाइपिंग मोड में एंटर हो जाएंगे और अगर आप इसको लैंडस्केप में आना चाहेंगे तो ये आपको लैंडस्केप मोड में भी अच्छा कीबोर्ड का साइज़ मुहैया करता है। LTE 150 का वीडियो रिव्यू आप देख रहे हैं मोबाइल अरिना डॉट कॉम की जानिब से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिसका कैमरा का यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह का है। कैमरा का इस वक्त मैंने इसका यूज़र इंटरफेस ओपन किया है, ये आप देखिए कि मैं एक पिक्चर लूँगा, ये मैंने तस्वीर ली है। यहाँ से आप देखिए कि सेटिंग इसकी आ गई है हमारे पास। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। कैप्चर मोड है, नॉर्मल पैनोरामा, रेजर है, बेस्ट फेस ब्यूटी है और बेस्ट शॉट का इसमें मौजूद है। इसके अलावा इस जगह पे आते हैं तो कैप्चर एक्शन मौजूद है, यहाँ पर नॉर्मल टच शॉट, गेस्चर शॉट और स्माइल शॉट के ऑप्शन आपको मुहैया करता है। तीसरे नंबर पर आपको वाइट बैलेंस का फैसिलिटी देता है वहाँ कंट्रोल करने की। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको कलर्स की फैसिलिटी देता है, मोनो कलर है, इसके अलावा नेगेटिव है, इसके अलावा डे लाइट है, हर तरह के यहाँ पे आप ऑप्शन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको ये फ्रेम्स देता है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेम, शानदार किस्म के, आप यहाँ से मुख्तलिफ फ्रेम लगा सकते हैं अपनी तस्वीर के लिए। जैसे कि मैं आपको वन बाय वन इस वक्त लगा के दिखा रहा हूँ। तस्वीर लेने से पहले आप कोई भी फ्रेम सेट कीजिए और अपने पसंद की तस्वीर उसमें आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे नीचे अगर हम देखेंगे तो इसको मैं नॉर्मल पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग मौजूद है,
सेटिंग में आप देखें कि HDR सबसे पहले मौजूद है, उसके बाद स्विंगिंग स्विच फोन बूथ है, साउंड है, फेस डिटेक्शन है, जियो टैगिंग है, सीन मोड है और कंटिन्यूस शॉट के अलावा एक्सपोजर है, ऑफसेट टाइमर, सेचुरेशन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, पिक्चर साइज। पिक्चर साइज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त, ये हमारे पास 5 या 6 पिक्चर साइज मौजूद हैं। ISO है, एंटी फ्लिकर है और वॉल्यूम किसके साथ क्या काम लेना चाहेंगे वो मौजूद है। ये चीज़ें थी इसके जो कैमरा के अंदर मैंने आपको इस वक्त दिखाई हैं। अगर मैं इसके आपको वीडियो सेटिंग दिखाऊँ तो आप देखिए कि वीडियो में हमें जो चीज़ें देता है, इसकी सेटिंग अगर आप खोल लीजिए तो आप में वीडियो क्वालिटी हाई है और इसको आप लो, मीडियम और फाइन पे भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जियो टैगिंग, EIS, एक्सपोजर, सीन मोड और वीडियो की जो ड्यूरेशन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अनलिमिटेड है, 60 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट और 30 सेकेंड, जितने भी दौरान है कि आप वीडियो कैप्चर करना चाहेंगे आपको ये यहाँ पर फैसिलिटी मुहैया करता है। इसके अलावा माइक्रोफोन का ऑन या ऑफ का मोड यहाँ पर मौजूद है। अगर आप वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो आप यहाँ से माइक्रोफोन से इसको सेलेक्ट कीजिए। ये था इसका कैमरा का यूज़र इंटरफेस। इसके बाद इसको मैं आपको इसकी गैलरी की तरफ लेकर चलता हूँ। ये इसकी गैलरी है जो कि हमने इस वक्त ओपन की है। ये आप देखिए कि मैंने अभी इसी के कैमरा के साथ जो तस्वीर ली हैं ये आपके सामने इस वक्त आ रही हैं। बहुत अच्छी कैमरा, इसका काफ़ी अच्छा है, ऑटो फोकस कैमरा है और ये आप देख रहे हैं कि इसी के कैमरा के साथ मैंने तस्वीर ली हैं जो कि मैं आपको जूम इन और जूम आउट का मुजाहरा इसी की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। लैंडस्केप में अगर आप जाना चाहें तो आप लैंडस्केप में इसको देख लीजिए, लैंडस्केप में भी काफ़ी अच्छा हमें ये रिज़ल्ट देता है। इसके बाद जो मैं एक वीडियो आपको चला कर दिखाना चाहूँगा इसी के जो कैमरा से रिकॉर्ड की गई है। ये आपने देखा इस पर एक ये मैं आपको मज़ीद इसके ऑप्शन दिखाना चाहूँगा जो कि वीडियो के दौरान मौजूद हैं। ये आप देखिए कि आप इसको, ये मैंने वीडियो को सेलेक्ट किया है तो आप किसी भी जगह पे आपकी वीडियो फ्लोट करेगी आपकी होम स्क्रीन पर, आप किसी भी जगह पर आके अपना दूसरा काम इसको इस पर कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से वापस जा सकते हैं और इसके अलावा जो आपको चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं इसकी प्लेइंग के दौरान वो ये लॉक है, स्क्रीन लॉक हो जाती है और यहाँ पर रोटेशन है, रोटेशन का लॉक मौजूद है। इसके अलावा अगर आप इस जगह पे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है फुल स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन वीडियो फुल स्क्रीन में चली जाती है, इसके बाद फिर फुल स्क्रीन है और ये फिर छोटी हो जाती है। ये इसके प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है जो इसका वीडियो प्लेयर है, इस हवाले से ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो इसमें मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहूँगा वो इसका नोटिफिकेशन सेंटर है। ये आप देखिए कि इसको आप इस तरफ जब आते हैं तो इसका नोटिफिकेशन सेंटर आपके सामने मौजूद है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त यह दे रहा है हमें, इसका जो मेमोरी है और इसका CPU का यूजेज है वो हमें बता रहा है। इसके अलावा अलार्म है, ऑटो रोटेशन, जनरल मोड है, तमाम प्रोफाइल की सेटिंग्स हैं, ब्लूटूथ एरोप्लेन है और इस जगह पर आप इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कम या ज़्यादा कर सकते हैं या हर वक्त आपके सामने रहती है। जब भी आप इसको, ये देखिए आप किसी वक्त भी इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये वाला जो बार है, ये ब्राइटनेस की बार, ये हर वक्त आपके सामने रहती है। ये बहुत अच्छी बात है, कई मोबाइल फ़ोन में आपको ये बार 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 सेटिंग में जाकर, इसके डिस्प्ले सेटिंग में जाके निकालनी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा कई बार परेशान करती है, लेकिन इस फ़ोन की ये खूबी है कि ये सामने मौजूद है। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें जो मजीद चीज़ें मौजूद हैं, ये गूगल की जो अपनी एप्लीकेशन है, Gmail है, गूगल सेटिंग, मैप्स हैं, ये तमाम चीज़ें गूगल की जानिब से दी गई हैं। और इसके अलावा अगर आपको मैं इसका दिखाऊँ क्यू मोबाइल की एप्लीकेशन, ये आप देखिए कि इसमें स्काइप, वाइबर और ट्विटर और सिक्योरिटी है, व्हाट्सएप है, मसनून दुआ क्यू मोबाइल की और फेसबुक की ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको मैं इसके वॉलपेपर्स की जानिब लेकर चलता हूँ तो आप देखिए कि इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए तो आपको ये 1, 2, 3 यहाँ पर आपको होम पेजेस की सेटिंग दे देगा। इसके अलावा जब आप ये कलर पर क्लिक कीजिए, इस पर आप देखिए यहाँ पर वॉलपेपर्स आपको मौजूद मिलेंगे, डेस्कटॉप के लाइव वॉलपेपर्स हैं और इस जगह पर डेस्कटॉप के स्टैटिक वॉलपेपर्स की एक लिस्ट, बहुत ही शानदार और बहुत ही क्रिस्प किस्म की ब्राइटनेस वाले वॉलपेपर मौजूद हैं। इनमें से हम एक इस वक्त यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये आप देखें कि अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन अप्लाई हो जाने के बाद आपके फ़ोन को बहुत ही फ्रेश लुक दे रहा है। LTE 150 इस वक्त अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं किसी अच्छे फ़ोन का, कम कीमत में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये फ़ोन बेस्ट रहेगा, LTE 150 क्यू मोबाइल नोयर की जानिब से। इसका वीडियो रिव्यू आप देख रहे हैं मोबाइल अरीना .com की तरफ से।
आप देखिए कि इस वक्त मैंने इस पर एक वॉलपेपर एडजस्ट किया है। इसके अलावा मज़ीद मैं जो आपको इस पर चीज़ें दिखाना चाहूँगा वो इसकी थीम्स हैं। इसके थीम्स आप देखिए कि इसमें चार या पांच थीम दी गई हैं, इनमें हम इस वक्त ये वाली थीम सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। थीम को थीम अप्लाइड हो चुकी है, ये देखिए कि आप तमाम आइकॉन्स तब्दील हो चुके हैं, इस वक्त तमाम के तमाम आइकॉन्स चेंज हो चुके हैं। आइए मज़ीद इसकी जो हम एप्लीकेशन है उन पर नज़र डालते हैं। इसकी जो सेटिंग का मेन्यू है उस तरफ चलते हैं। इसके अब सेटिंग में देखिए कि ये भी 200 में तकसीम की गई है, जैसे कि हम देखते हैं बड़े मोबाइल में। इसमें फ़ोन के मुतालिक जो मैं चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, एंड्रॉयड 4.4 किट कैट पर ये इस वक्त चल रहा है और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो उसकी सेटिंग्स हैं, एक्सेसिबिलिटी है, इसमें आप देखिए कि टॉक बैक ऑप्शन मौजूद है, टेक्स्ट को लार्ज कर सकते हैं, पावर बटन के साथ कॉल को एंड कर सकते हैं, इसको आप क्लिक कर दीजिए। टच एंड होल्ड डिले है, इसको आप शॉर्ट या लॉन्ग में किसी भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी दौरानिए के लिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप देखिए कि सिस्टम बैकअप है और बैकअप एंड रीसेट है, लैंग्वेजेस एंड इनपुट का ऑप्शन मौजूद है, अपने फ़ोन को शेड्यूल पावर ऑन या पावर ऑफ अगर आप करना चाहें किसी भी वक्त तो यहाँ पर आप सेटिंग कर दीजिए पावर ऑन और पावर ऑफ, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा जो बैटरी का सूरत हाल है वो आपको यहाँ से पता चलेगी, बैटरी की परसेंटेज इस जगह से आएगी, 40% ऊपर आ गया है, दोबारा क्लिक करेंगे तो परसेंटेज गायब हो जाएगी। इसी तरह अगर आप वापस आएंगे और इसके डिस्प्ले की सेटिंग की तरफ आएंगे तो आप देखिए कि यहाँ से आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। इकोनॉमिकल बैकलाइट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी बैटरी को काफ़ी हद तक सेव करेगा खुद ब खुद। इसके अलावा वॉलपेपर्स की मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही लिस्ट, और ऑटो रोटेट स्क्रीन है, स्लीप का दौरानिया है कि कितनी देर बाद आपका फ़ोन स्लीप हो जाता है वो आप सेट कीजिए। यहाँ पे फ़ोन का साइज़ है, ये आप देखिए कि लार्ज करें, नॉर्मल करेंगे या स्मॉल करेंगे तो साथ साथ आपको शो कराता जाएगा। हम इस पर नॉर्मल में करते हैं। ओके, LTE 150 की जो मज़ीद इस तरफ देखेंगे क्विक सेटिंग में, रिंग टूनस की ऑप्शन है, मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा वॉइस कॉल की जो रिंग टूनस है। वो तमाम रिंग टून जो क्यों मोबाइल में हमें मिलती हैं वो तमाम इसमें रिंग टून भी मौजूद हैं, नोयर LTE 150। इस वक्त मैं आपको इस वक्त एक कैलेंडर की जानब लेके चलूँगा। इसका कैलेंडर आप देख रहे हैं, इसमें व्यूज़ आप देखिए, डेली व्यूज़ है, वीकली व्यूज़ है और मंथली व्यू है। इसके बाद इसका जो फाइल एक्सप्लोरर है इस पर भी आप एक नज़र डालिए, यहाँ पर आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री देता है आपकी तमाम पिक्चर्स की, और इस तरफ आपके तमाम जो आपका डाटा होता है उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसका जो क्लॉक है उसकी जानिब बढ़ते हैं, ये आप देखिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म का इसका क्लॉक है, जहाँ पे आप अलार्म इस वक्त मैं सेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए कि इसकी जो लुक है बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आप इसको बहुत ईजीली किसी भी दिन का और किसी भी टाइम का अलार्म लगा सकते हैं। नोयर LTE 150 FM रेडियो इसमें मौजूद है, और इसके अलावा फ्लिप बोर्ड है, और इसकी जो टॉर्च लाइट है ये इस वक्त आपके सामने आई है, और इसके अलावा जो इसकी चीज़ें हैं वो कैलकुलेटर भी इस पर आप देख लीजिए, एक नज़र डालिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मौजूद है और सिंपल भी मौजूद है। नोयर LTE 150, अगर आपको ये एमिगो यूज़र इंटरफेस पसंद नहीं है बिलफर्ज, कई लोगों को ये यूज़र इंटरफेस पसंद नहीं होती, तो उसका हल ये है कि आप प्ले स्टोर पर जाएँ, प्ले स्टोर पर जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी लॉन्चर इस पर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जब इस पर आप लॉन्चर डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपकी जो सारे के सारे लुक है उसको चेंज कर देगा। आइए LTE 150 पर वेब एक्सपीरियंस लेते हैं और इस पर mobileareena.com ओपन करते हैं। इस वक्त आप देखिए कि मैंने इस पर mobileareena.com ओपन की है और इसने बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ इसको लोड किया है, सारी की सारी वेबसाइट इस वक्त लोड हो चुकी है। इस पर आप देखिए कि मैं आपको रेंडरिंग दिखाता हूँ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये आप देखिए कि मैंने इसको जब डबल टैप किया तो ये बहुत अच्छे तरीके के साथ जूम हुई है, बहुत क्विक स्पीड के साथ। ये मैं आपको इस वक्त रेंडरिंग दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको लैंडस्केप में देखना चाहेंगे तो ये आप देखिए कि लैंडस्केप में आ चुकी है ये। इसको मज़ीद आप देखिए, मज़ीद आप इसकी रेंडरिंग, ये आप देखिए कि सेकंड टैब अगर आप ओपन करना चाहें तो यहीं से हो जाएगा।
mobilearena.com, क्यू मोबाइल नोएर LT150 का वीडियो रिव्यू आपने देखा। इसका जो सटल कैमरा का रिजल्ट है और इसका जो वीडियो का रिजल्ट है वो आपको हमारी वेबसाइट mobilearena.com पर इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मजीद रिव्यूज़ के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट mobilearena.com। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। mobilearena.com